नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, एसएससी के जो एडमिट कार्ड आते हैं वो रीजन वाइज आते हैं, यानी कि आपने जिस भी रीजन में अप्लाई किया होगा उस रीजन के हिसाब से जो एडमिट कार्ड इसके आते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड। जैसे आपने मान लीजिए यूपी और जो है मान लीजिए आपने यूपी या बिहार का सेंटर लिया है, तो आपको जो है सेंट्रल रीजन से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इसी तरह अगर आपने जो है दिल्ली, उत्तराखंड या राजस्थान लिया है, तो आपको नॉर्दर्न रीजन से डाउनलोड करना है। इसी तरह महाराष्ट्र, गोवा, डब्ल्यूआर रीजन से करना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपीआर रीजन से करना है। तो अलग अलग रीजन का अलग अलग जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आप जो आपको जो है सेंट्रल रीजन का जो है एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो सर, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बता दें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के 3 ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हो। सबसे पहले आपको बता दें कि जो परीक्षा है वो 2 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक चलेगी। और एक चीज और बता दें कि एडमिट कार्ड जो अगर आपने मल्टीपल टाइम जो है डाउनलोड किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने मल्टीपल टाइम जो है डाउनलोड किया तो आपका एडमिट कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हम आपको भी लाइव जो है डाउनलोड करके दिखाने वाले। उससे पहले बता दें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के 3 माध्यम है। पहला माध्यम है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परीक्षा शहर जो है डाउनलोड का चयन करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रोल नंबर। हालांकि रोल नंबर किसी को पता नहीं रहता तो उसको छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपको अपने नाम का 4 लेटर लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सुरेश कुमार, तो मैं SURE लिखता हूँ। मेरे पिता का नाम है रमेश कुमार, RAME। मान लीजिए आपके पिता का नाम होता राम कुमार, तो आप राम लिखने के बाद स्पेस दे देते और 4 लेटर में नाम है तो 4 लेटर नाम लिख देते। नेक्स्ट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से चयन करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे परीक्षा का शहर डाल देना और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को डाल के सर्च कर देना है। तो दोस्तों, हम उसको सर्च करते हैं और आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन भी दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो है जन्मतिथि भी जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हैं जन्मतिथि डाल दी। यहाँ पे मैंने अपना परीक्षा शहर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो है कैप्चा डाल दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा की तिथि दिखाई दे जाएगी, परीक्षा का सिर्फ, परीक्षा का समय, परीक्षा के शहर का नाम, फॉर्म आपका एक्सेप्ट की रिजेक्ट है। और साथ ही साथ नीचे का यहाँ अगर आप देखेंगे तो परीक्षा का जो तिथि है उसके 4 दिन पहले, जैसे आप देख सकते हैं मेरी परीक्षा तिथि 2 अगस्त 2023 हो, तो यानी कि इसके 4 दिन पहले, और यानी 29 जुलाई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। यानी कि जो आपका स्टेटस दिख रहा है ठीक उसके 4 दिन पहले अभी आपको परीक्षा शहर की जानकारी मिल गई, लेकिन जो परीक्षा का केंद्र उसकी जानकारी आपको 4 दिन पहले मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक अदर कैंडिडेट, यहीं की ठीक बगल में आ जाएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। लेकिन एक चीज का फिर ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड सिर्फ 3 या 4 बार ही डाउनलोड होंगे। तो एक बार डाउनलोड करने वाले अगर आपको मोबाइल पे करें तो तुरंत उसको अपनी ईमेल पे या जो है अपने व्हाट्सएप वगैरह पे सेव जरूर कर लीजिएगा, ताकि कहीं अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको परीक्षा देने में दिक्कत ना हो। तो एडमिट कार्ड जो है सेव जरूर कर लीजिएगा। बता दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने का लिंक है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लिंक sarkaririzalt.com और rozgarrizalt.com पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जाए दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।